गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली, गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह, जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स हैं। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है, ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते 10 पादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हैं। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी, ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी के, मर्दाना असानू यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा, यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे से दह कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिए वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आ गए हम। तो फिर मर्दाना पूछिया, जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है, ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना, उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन, जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुकम विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा
उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना। ता मर्दा ने पूछिया कि हाँ गुरु जी, असी ता तुहाडे नाल ही रहंदे आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है? ता गुरु नानक देव जी कहा, मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया सें, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा, जी कद कैसे? ता गुरु जी कहा, जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी, डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी, तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जिसकी सता संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनु कहंदे हन जो काल दे वस ना आवे और ना हवे, अथो काल उस दे वस होए। ता मर्दाना ने कहा, रंग क्या है उस अते उसदा आसन किथे है? ता गुरु जी कहा, मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं, ना ही अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे दे हन, उसके जो बाल हैं रोम कूप हैं, उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं, पर सोना भी उसके बराबर नहीं है, इसका ये अर्थ है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहेब जी के गुरु जी थे, और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली, प्राण संगली नानक साहेब जी के करकमलों से लिखी है, ये यहाँ से छपी है, यहाँ से देखिएगा। श्री ये है प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहेब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन हैं? सटीपन उल्थाकार यानी इसका अनुवादकर्ता संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने, नोट, एडिटर संत बानी पुस्तक वाला, वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है, नकल देवनागरी अक्षरों में है, उसका उल्था या तर्जमा नहीं है, जो की जो है उसका कोई उल्था नहीं है इसमें। अब इसके जीवन चरित्र में नानक साहिब जी का जीवन चरित्र लिखा इस महापुरुष ने, इस पुस्तक के 15 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात कर रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान को गए, तो वहां एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो? इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर 3 दिन तक गुप्त रहे। और ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले, और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष हैं, ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को, ये वेद गवाही देते हैं।